बेहद भव्य और आकर्षक दिख रही इस इमारत से आपको रोम के वेटिकन सिटी का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन ये इटली का रोम नहीं कोलकाता है, भारत का कोलकाता। और ये वेटिकन सिटी नहीं, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बलरिस्का चर्च की थीम पर बना दुर्गा पंडाल है। ये कोलकाता के विधान नगर का श्री भूमि दुर्गा पंडाल है। इस पंडाल की खूबसूरती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दूर से लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इसे देखने आ रहे हैं और पंडाल की भव्यता को अपने कैमरों में कैद कर इसे अपनी यादों में संयोज रहे हैं। पिछले साल बुर्ज खलीफा और इस बार वेटिकन सिटी कोलकाता में ही देखने को मिला है, और सिर्फ देखने को नहीं मिला, एक बहुत अद्भुत चीज हो रहा है जहां पे हजारों की तादाद में लोग इस बार भी इस पंडाल को देखने के लिए आए हैं। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, जो जाना जाता है हर साल एक नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए, वहां पर पिछले साल बुर्ज खलीफा देखा गया था और इस बार जो पंडाल का थीम है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इटली में है और वहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं वेटिकन सिटी को देखने के लिए इटली में, लेकिन इस साल भी यहाँ पर कोलकाता में वेटिकन सिटी के रूप में जो पंडाल क्रिएट किया गया है वहाँ पर भी बहुत लोगों की बहुत भीड़ है। हर साल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब दुनिया भर की आकर्षक और जानी मानी इमारतों को पंडाल का रूप देती रही है। इस बार क्लब ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्सन बेसिलिका चर्च की तर्ज पर तैयार किया है। मकसद यही है कि लोग कोलकाता में रोम को जी सकें। इस साल नहीं, पिछले साल भी हम लोग बुर्ज खलीफा मनाया है और इस साल भी हम लोग वेटिकन में हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग जो चर्च हम लोग मनाया है, क्योंकि हम लोग देख के आया है, रोम में देखा है, बहुत अच्छा लगा है। तो सब आदमी को उधर जाना नहीं पड़ेगा, तो यूरोप का जो लोग स्थापत्य है वो हम लोग इधर बनाएगा तो लोग इधर देखेगा तो लोग अच्छा ही बोलेंगे। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा पंडाल को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, इसलिए यहाँ की दुर्गा पूजा कमेटियों में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। 200 से अधिक कारीगरों ने 2 महीने की मेहनत से इस भव्य पंडाल को बनाया। कोलकाता का ये पंडाल जितना भव्य है, पंडाल में स्थापित की गई माँ दुर्गा की प्रतिमा उतनी ही आकर्षक। वेटिकन सिटी जाना जाता है अपने स्कल्पचर्स के लिए, अपने पेंटिंग्स के लिए, हैंड पेंट्स के लिए, और वैसा ही जैसे आप देख सकते हैं इसका छत जो है वो एकदम वेटिकन सिटी के इम्पर्सनेशन में ही है। हालांकि ये भी हैंड पेंटेड है, लेकिन वेटिकन सिटी ने तो 1500 या 1600 साल की पेंटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ये फ्रेश है। लेकिन कोशिश यही की गई है कि यहाँ पर वो फील दिया जाए, और इस पंडाल का और इस पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने है, माँ की प्रतिमा, जिसको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पंडाल ही नहीं बल्कि इस खूबसूरत मूर्ति को देखने के लिए, माँ दुर्गा की मूर्ति को देखने के लिए हजारों मील से, हजारों जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। कोलकाता में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में बेहद खास होती है। कोलकाता में हर साल आयोजक पूजा के लिए विशेष थीम को चुनते हैं। इस बार भी असंख्य दुर्गा पूजा थीम मन मोहनी को तैयार है। कोलकाता के श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब में इस बार मंडप वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेलिस्का के तर्ज पर तैयार किया गया है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। पश्चिम बंगाल से ही नहीं, पूरे देश से लोग इन दुर्गा पूजा पंडालों को देखने आते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और पंडाल की रौनक को अपनी यादों में बसा लेते हैं। कोलकाता से सूर्यांगी राय की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।